हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमाल की स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिसमें आप हावरली चार्ट लगाकर 2 से 3 दिन की स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रॉफिट बना सकते हैं। आप यहाँ पे मंथली 50,000 रुपये तक बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी सुझाने वाला हूँ और ये पूरा का पूरा काम हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और भी कई तरह के ETFO पे आप कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी केवल ETF पे ही रहती है सारी, और मैं आपको बताऊंगा कि आप ETF में 2 से 3 दिन में स्विंग ट्रेडिंग करके ज़बरदस्त प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। आपको जो भागने वाला मूव है ना, वो पकड़ना सिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। कि जो मैंने आपको RSI 60/40 बताया है, उसमें अगर ETF 40 के ऊपर चल रहा है या बहुत टाइम से चल रहा है और वहाँ पे आपको ट्रेंड करना है और आप देख रहे हो कि मार्केट रेगुलर बेस पे अप ट्रेंड में है या मार्केट में कुछ होने वाला है और मार्केट तेजी से भागेगा, तो हमारी स्ट्रेटजी तो बाइंग साइड की रहने वाली है, लेकिन बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी रहने वाली है। इसमें आपको 2 से 3 से 4 दिन में आपको बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएंगे। तो किस इंडिकेटर का यूज करना है, कैसे आपको काम करना है, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। इतनी शानदार और जबरदस्त स्ट्रेटजी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले निवेदन कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सीधा सीधा चार्ट पे चल के कि कौन से इंडिकेटर का यूज करना है और किस तरीके से काम करके आपको, अगर मार्केट में कोई मूवमेंट होने वाला है, जैसे अभी आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े मूवमेंट मार्केट में आते रहेंगे और बड़ा मूवमेंट कैप्चर करके आप ETF के थ्रू, आप किसी शेयर में ना काम करके, आप ETF के थ्रू कैसे काम करके बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि लोग आपको बताते भी कि सर, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करेंगे, FNO में अगर आप काम करेंगे, तो आपको इसके लिए बहुत ही तगड़ा एक तो रिस्क लग जाएगा, क्योंकि आप जो है इंट्राडे बेसिस पे काम करेंगे या तो, या फिर अगर आप डिलीवरी में पोजीशन लेते हैं और बाय चांस अगर ट्रेड उल्टी पड़ गई, तो आप जो है सारा का सारा जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं उसे बिल्कुल जीरो करके बाहर निकलेंगे। लेकिन ETF में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गई होगा। मैं आपको सारा बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर का यूज करके आप जो है इसमें टारगेट भी आपको मिलेगा, एंट्री भी मिलेगी और एग्जिट भी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपको काम करना है और मार्केट के मूव को पकड़ के कैसे प्रॉफिट बुक करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। यहाँ पे मैंने देखिए चार्ट लगा रखा है ये, और यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर का यूज करा है, इसको तो आप भलीभांति जानते होंगे, इसको कहते हैं बोलिंजर बैंड। ठीक है सर, जो लोग नहीं जानते कि ये बोलिंजर बैंड है, तो आप जैसे ही इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे BB या बोलिंजर बैंड लिखेंगे, तो इस टाइप का इंडिकेटर कुछ आपके सामने आ जाएगा। आपको इसमें कोई भी सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी इसमें सेटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जैसा है बाय डिफॉल्ट वैसा ही आपको रहने देना है। ये देखिए बोलिंजर बैंड, ये वाला जो इंडिकेटर है आपको इसको ले लेना है। ठीक है सर, मैंने ले रखा है ऑलरेडी, ये चार्ट पे लगा हुआ है। और यहाँ पे जो आपको चार्ट पे टाइम फ्रेम रखना है ना, वो आपको रखना है 1 घंटे का, यानी कि हावरली जो है आपको टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। ठीक है सर, 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखेंगे और आप इस ट्रेड से बहुत ही जल्दी बाहर निकलेंगे और जबरदस्त, जब भी आपको मूव मिलेगा बहुत ही जबरदस्त मूव मिलेगा और वॉल्यूम भी उस समय तगड़ा रहेगा, तो आपकी जो ट्रेड है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होगी और बहुत जल्दी आप उस ट्रेड से बाहर निकल लेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी तो स्विंग ट्रेडिंग की रहती है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे जैसे डेली का टाइम फ्रेम रखते थे, तो हमने यहाँ पे घटा के इसको जो है आवरली किया हुआ है। इसमें होता क्या है कि जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मजा यहाँ पे आपको आने वाला है फ्यूचर ऑप्शन जैसा। उसमें आप जैसे देखेंगे कि निफ्टी 50 अब जा रहा है, मैंने ये चार्ट जो है निफ्टी 50 का ले रखा है, और निफ्टी 50 पे ही मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी मार्केट में अगर मूवमेंट है, तो आप उसको कैसे ETF के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं और सेफ तरीके से अपने रिटर्न बना के बाहर निकल सकते हैं। तो बोलिंजर बैंड में मैं बताता हूँ आपको, ये जो लाइन है ऊपर वाली, इसको कहते हैं अपर बैंड। ठीक है सर, नीचे वाली लाइन को कहते हैं लोअर बैंड, और ये जो लाइन है बीच वाली लाइन को हम कहते हैं मिडिल लाइन। ठीक है सर, या मीडियम लाइन या मिडिल लाइन, आप जो भी समझें, एक बीच में लाइन है, एक ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, ये 3 प्रकार की लाइन है। नीचे वाली लाइन का हमें कुछ काम है नहीं,
हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें हमें खाली इन दो लाइनों से काम है, एक तो बीच वाली से और एक ऊपर वाली से। कैसे इसका यूज करना है, देखिए बोलिंजर बैंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है सही से मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, और इसका इस्तेमाल आपको ETF पे कैसे करना है और शानदार प्रॉफिट आपको कैसे बनाने हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आपने ये तीन लाइनें देख ली, इसमें ये तीन ही लाइनें होती हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये जो भी एक कैंडल है, ये 1 घंटे की कैंडल बन रही है, ठीक है सर, 1 घंटे की कैंडल बन रही है। अब आपने देखा ये लाइन आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी बताती है। ये देखिए, जैसे ही ये बीच वाली लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और ये लगातार मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा है। अब जैसे ही ये यहाँ से ऊपर बढ़ी, इसने ऊपर वाली बीच वाली लाइन को काटा, लेकिन जब ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर चलना चालू होगी तभी मार्केट में जो है अप ट्रेंड आएगा। अब बोलिंजर बैंड में क्या होगा, जैसे कि आपने देखा है कि कहीं से तो ये जो है बहुत, ये जो है गैप है इसमें, और कहीं जो है ये बहुत पतला हो रहा है, यानी कि श्रिंक हो रहा है। तो हमें क्या देखना है कि पहले अगर ये बड़ा है, बोलिंजर बैंड का एरिया बहुत ज़्यादा है और आगे जाके ये श्रिंक हो रहा है, यानी कि छोटा हो रहा है, तो छोटा होने का मतलब क्या है कि मार्केट जो है रेंज बाउंड हो रहा है। आप ध्यान से समझिए, मार्केट जो है रेंज बाउंड हो रहा है, यानी कि मार्केट इस समय रेंज बाउंड की स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं कि 70%, यानी कि 70% जो है मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है, ज़्यादातर 20% मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहता है और 10% मार्केट केवल डाउन ट्रेंड में आता है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको एक्चुअल फिगर बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल यही फिगर है, 70% टाइम जो है मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है, 20% अप ट्रेंड में रहता है, 10% डाउन ट्रेंड में रहता है। तो आप, ये तीन ही ट्रेंड है मार्केट के, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा या फिर जो है रेंज बाउंड रहेगा। तीन ही ट्रेंड है, तीन ही जगहें हैं मार्केट को जाने के लिए, चौथी कोई भी जगह नहीं है मार्केट में जाने के लिए, कहीं भी मार्केट नहीं जा सकता इन चार दिशाओं के अलावा, और कोई भी दिशा नहीं है। तो आपने समझा कि जब भी एरिया, यानी कि किसका एरिया, इसका बॉलिंजर बैंड का एरिया जब ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इस तरीके से, और फिर ये जाके छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, तो समझ लीजिए मार्केट रेंज बाउंड हो रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग को अगर दबा दिया जाए, मैं इसको दबा के अगर इसको पकड़ लूँ स्प्रिंग को, जब भी छोड़ूंगा तो वो बहुत तेजी से छूटेगा और जिस भी साइड में जाएगा बहुत तेजी से निकल के जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में प्रेशर बनना और धीरे 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 मार्केट जो है श्रिंक हो रहा है, जब भी ये छूटेगा तो बहुत तेजी से जाएगा। अब वो दिशा कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो ऊपर की दिशा में जाए या नीचे की दिशा में जाए, लेकिन हमें ट्रेड जो है बाई साइड का इनिशिएट करना है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में जब ही आएगा तभी हमें जो है इसमें काम करना है। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। इसी चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पे ऐसी पोजीशन बनी है कि जहाँ पे चार्ट जो है, ये बॉन्ड जो है, बोलिंजर बैंड जो है, ये श्रिंक हुआ है, चौड़ा जब हुआ था उसके बाद श्रिंक हुआ है, और फिर इसमें से जो ये निकला है तो कमाल की एनर्जी के साथ निकला है और जबरदस्त जो है इसने आपको ट्रेड प्रोवाइड करा के दी है, एकदम शानदार और बेहतरीन ट्रेड इसने आपको प्रोवाइड कराई है। तो देखेंगे पहला तरीका क्या है इसका, देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये काम करता है और किस तरीके से इसने आपको एक शानदार ट्रेड इनिशिएट करा के दी है। तो यहीं पे चार्ट में देखिए, आपको कुछ दिखा, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा होगा, नीचे मैंने RSI भी लगा रखा है, ठीक है सर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखते हैं, देखिए अब इसका नियम क्या है, इसमें ट्रेड लेने का नियम क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये बैंड जो है यहाँ पे बहुत ही नैरो हो गया, यानी कि बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या करना चाहिए कि एक कैंडल जो है इसके अप साइड में, यानी कि अपर जो बैंड है उस पर क्लोज करना चाहिए कैंडल को, ठीक है सर। और इससे अगले कैंडल जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्थिति बनी है कि यहाँ पे जो है इसने ऊपर की साइड में क्लोज करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वाली कैंडल ने देखिए इस वाली लाइन को टच करके ऊपर वाली को, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज कराया, आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में ये वाली कैंडल और बड़ी बनी है, तो यहाँ पे हमारी हो जाती है एंट्री, यहाँ पे हम करेंगे एंट्री। एंट्री पॉइंट आप समझ गए, जब भी ऊपर वाली लाइन पे हावरली कैंडल क्लोजिंग देगी, हावरली कैंडल क्लोजिंग देगी ऊपर वाली लाइन पे, उसके बाद एक और कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए उसी लाइन के ऊपर और उस कैंडल से ऊपर, तब हमारी एंट्री होगी। यह है हमारी एंट्री का क्राइटेरिया, ठीक है सर। एंट्री हो गई, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, हमारा एग्जिट कब होगा। SL तो इसमें होता ही नहीं है,
एसएल ईटीएफ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एसएल की कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएल की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एंट्री के बाद में जो है ये जो है एंट्री के बाद में कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो जब भी ये बीच वाली लाइन यानी कि मीडियल लाइन को काट के कोई भी कैंडल जब यहाँ पे क्लोज कर जाएगी, इसे इसने छुआ और यहाँ पे काट के इसने क्लोज कर दिया, यहाँ पे हम कर देंगे एग्जिट। ठीक है सर, यहाँ पे हम कर देंगे एग्जिट। तो हमारी एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है सर, हमारी एंट्री थी यहाँ पे और एग्जिट हुए हम यहाँ पे। कैंडल के हिसाब से भी अगर एंट्री और एग्जिट मिला तो आप देखेंगे कितने प्रतिशत का हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ये हम एक बार और कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपके सामने करता हूँ, मैं कुछ भी पहले से प्रिपेयर नहीं करता, मैं बिल्कुल जो भी है लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपकी एंट्री हुई है और कहाँ तक आपको प्रॉफिट इसमें बना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये कैंडल यहाँ कहीं जाके क्लोज हुई है। ठीक है सर, यहाँ ले लेते हैं हम। तो ये देखिए लगभग 2.5% का प्रॉफिट इसने, 2.25% के प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिए हैं, 2.25% के प्रॉफिट इसने दिए हैं। डेली का टाइम फ्रेम है वो, आवरली टाइम फ्रेम पे 2.5% के प्रॉफिट इसने आपको दिए हैं। एंट्री आपकी कब हुई थी? 7 सितंबर 2023 को, और 18 सितंबर 2023 को आप जो है इससे बाहर निकल गए। आप पहले भी बाहर निकल सकते थे, इससे ऊपर भी बाहर निकल सकते थे। ये देखिए 2.5% के प्रॉफिट इसने दे दिए आपको, 2.5% के प्रॉफिट बहुत ही आसानी से इसने आपको दिए हैं। तो ये देखिए आप 3 दिन 5 दिन लगभग 1 वीक के अंतराल में आप जो है इससे बाहर बिल्कुल निकल जाएंगे। 7 डे लगे हैं, 23 आवर लगे हैं, आप यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं, या आप जो है इसके माध्यम से भी बाहर निकल सकते हैं, इसके माध्यम से भी आप बाहर निकल सकते हैं। जब भी ये रेड लाइन को यानी कि बीच वाली लाइन को कट करके कोई भी कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपकी इसमें एंट्री बनेगी और बहुत ही तेजी से आप जो है बाहर निकल जाएंगे। आप सपोज करिए यहाँ पे देख लेता हूँ कि मार्केट कितना रहा था, मार्केट के हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना हुआ आएगा। आप जो भी कैपिटल आपने इसमें निवेश करा हो उस हिसाब से आपके प्रॉफिट रहेंगे। आप सपोज करिए अगर आपने इसकी निफ्टी वीज की, निफ्टी वीज इस समय 210 रुपये के आसपास होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने एंट्री ली थी यहाँ पे मार्केट था, इसका हाई पॉइंट अगर मैं नोट कर लूँ तो 19,800 के आसपास मार्केट था, और यहाँ पे जब इसने आपने जब अपनी पोजीशन काटी तो मार्केट का हाई था 20,127, 20,127 यानी कि 19,800 और 20,127, लगभग 300 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट यहाँ पे इसमें आया है। और इसका हायर अगर पॉइंट देखोगे तो लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो मैं मोटा मोटा पकड़ लूँ कि अगर आपने 1,000 की क्वांटिटी भी खरीद रखी होगी ईटीएफ की निफ्टी 20 के, कितने रुपए के आएंगे ये आप कैलकुलेट कर लेना। और मात्र अगर आपने इसमें 3 रुपये बनाए तो लगभग 3,000 रुपये का प्रॉफिट आपका यहाँ पे बनता है सीधा सीधा एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में। और ऐसे ही अगर आपको महीने में, खाली निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, महीने में अगर 3 ट्रेडें भी मिल गई महीने में तो 9,000 रुपये का प्रॉफिट आप इससे बुक करेंगे। ऐसे ही आप बैंक वीज में आपको बार बार ट्रेडें मिल सकती हैं, 9-10 हज़ार रुपये आप उससे बुक करेंगे। ठीक है सर, अब आप कम से कम ऐसे 4 से 5 ETF में नज़र बना के रखिए। आप हर ETF से अगर 10,000 रुपये मंथली भी अगर प्रॉफिट निकालते हैं, 10,000 रुपये मंथली भी निकालते हैं, तो एक महीने में आप 50,000 रुपये का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से इस स्ट्रेटजी के थ्रू निकाल सकते हैं। और मैंने बताया किसी भी स्ट्रेटजी में लचीलापन रखिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए ताकि उसमें बदलाव किए जा सके। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है। जब भी अपर बैंड को क्लोज करती है हावरली कैंडल, उसके बाद एक और कैंडल क्लोज करती है, आपकी एंट्री बन जाती है। और जब भी मीडियन लाइन को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ क्लोज करती है यानी कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट आता है तो वहां पे आपका एग्जिट बन जाता है। आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट होंगे कि सर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड खुल गया या डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो हम क्या करेंगे? तो सर ये ETF है, Nifty 50 है, पहली बात तो अगर 1 आध घंटे का डाउन ट्रेंड रहता है मार्केट में, सडनली अगर डाउन ट्रेंड आता है खुलते के साथ ही, तो वो डाउन ट्रेंड नहीं होता, उसके बाद में देखेंगे मार्केट रिकवर करके धीरे धीरे ऊपर जरूर जाता है। और वैसे भी जब ये रेंज बाउंड तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ आएगा ना, जब भी ये रेंज तोड़ के आएगा तो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ ये जाता ही जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे बैंड थोड़ा सा श्रिंक था, ठीक है सर,
और इसके बाद में ये जितना ज़्यादा श्रिंक होएगा उतना ही मूवमेंट तेज होगा, उतना ही मूवमेंट तेज होगा, उतने ही आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट ये देगा, बहुत ही बेहतरीन और तगड़े प्रॉफिट आपको देगा। ट्रेड इसमें आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे सॉलिड से सॉलिड ट्रेड आपको मिलेंगे यहाँ पे, बहुत ही शानदार ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ट्रेड आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए मार्केट के बंद होने का समय था, तो यहाँ पे तो ट्रेड आपका बनता ही नहीं है। ठीक है सर, आप देखिए, आप भी मुझे एनालिसिस करके बताइए, आप भी देख के बताइए। जब भी आप देखेंगे कि बड़ा, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बोलिंजर बैंड का मूव बहुत बड़ा होगा, और मार्केट जो है ये देखिए यहाँ पे ही आया, ये नीचे से ऊपर की तरफ आया, और यहाँ पे देखिए इसने एक कैंडल ऊपर दिया, ये यहाँ पे क्लोज करा, यहाँ पे क्लोज करा, तो यहाँ पे ट्रेड बना, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने ऊपर ही दिया और यहाँ पे क्लोज करा, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली, और ये शानदार मूव देखिए, शानदार मूव। तो जब भी आप देखिए, मैंने आपको बता दिया बोलिंजर बैंड का यूज कैसे करना है, आपको दो ही लाइनों का यूज करना है, एक तो अपर बैंड का और नीचे का जो है मीडियन लाइन जो है इसका यूज करना है। इसके आधार पे आप जबरदस्त ट्रेड और भी रिफाइन करके RSI के बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, और बेहतरीन बेहतरीन प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपको बोलिंजर बैंड के साथ मैंने स्ट्रेटजी बताई, और इसका यूज कैसे करना है वो मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना ईमेल ID और व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ETF के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने, उस प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए। मैंने कमाल के शानदार आपको स्ट्रेटजी साझा की है आपके साथ, आप उन्हें एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, बेहतरीन रेगुलर बेसिस पे ETF से आप प्रॉफिट बना सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।